इंदौर जिले के बेटमा में पिछले 9 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जनपद सदस्य पोप सिंह मालवीय कोरोना काल में सभी लोन किस्त स्थगित करने की मांग कर धरने पर बैठे थे। 9 दिनों से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने पोप सिंह मालवीय की कोई सुध नहीं ली, जिसकी जानकारी लगने पर भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार धरना स्थल पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने सरकार की अनदेखी और पोप सिंह मालवीय के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें समझाया और उपवास समाप्त करने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने दूध पिलाकर उपवास को समाप्त करवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि हर जनहितेशी मुद्दों में समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। आज उपवास और धरने का हमारा 9वां दिन है और किसान, गरीब, मध्यवर्गी सभी परिवारों की जो लोन किस्त हैं उसके स्थगन को लेकर हम विगत 9 दिनों से धरना दे रहे हैं और सरकार से हमारी मांग है कि इनकी किस्त लगभग दिसंबर तक स्थगित की जाए और किसी भी लोन धारक पर कोई अतिरिक्त ब्याज पेनल्टी ना जोड़ी जाए। किसी भी लोन धारक को डिफॉल्टर घोषित ना किया जाए और सरकार ने जो स्थगन के अंदर मॉरेटोरियम के तहत तो जो विकल्प चुनने की जो शर्त रखी है उसको हटाया जाए, उसके प्रत्येक खाते पे उसको लागू किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। आज यहाँ पर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व जनपद सदस्य पोप सिंह जी मालवीय पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। लॉकडाउन के चलते हुए मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, वंचित परिवार, कई महिलाओं ने, परिवारों ने समूह लोन ले रखे हैं। किसी ने गाड़ी का लोन ले रखा है, किसी ने नगद का लोन ले रखा है, किसी ने SBI से ले रखा है, किसी ने प्राइवेट बैंक निजी बैंकों से ले रखा है। ऐसे कोरोना बीमारी के चलते, लॉकडाउन के चलते हर किसी की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से निस्तय नाबूद हो चुकी है। ऐसी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हमेशा जनसेवा करते हुए पोप सिंह जी मालवीय ने पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल जारी करी थी कि इनकी किस्तें जो है इन पर ब्याज और पेनल्टी माफ़ की जाए तथा इनकी जो किस्तें हैं वो दिसंबर के पश्चात ली जाए, क्योंकि आज के अखबार में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ऐसा संदेह व्यक्त किया गया है कि जून तक तो रहेगा यह लॉकडाउन, इसके पश्चात जो है अगस्त तक जा सकता है, सार्वजनिक रूप से सभी के कामकाज अगस्त तक चालू होंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर अगस्त तक यदि अगर लॉकडाउन ओपन होता है, इसी स्थिति में गरीब परिवारों की स्थिति भूखे मरने की हो जाएगी। जब उनको सही तरह से भोजन नहीं मिल रहा तो वो किस्तें कैसे भरेंगे? तो ऐसी स्थिति में पोप सिंह जी मालवीय ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के वंचित तबके की बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई है और वे चाहते हैं और कि इस वंचित तबके की किस्तें जो है दिसंबर माह के पश्चात ली जाए, और इस बात का हम भी समर्थन करते हैं। उनकी मांगों के समर्थन में पूरा अखिल भारतीय भलाई महासंघ उनके साथ, उनके समक्ष है और आज इसी मांगों को लेकर हम जो है माननीय मालवीय जी के निवास स्थान पर एकत्रित हुए हैं और इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। चूंकि पिछले 9 दिनों से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इन सामाजिक कार्यकर्ता की सुध नहीं ली थी, ये लगातार 9वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे समाज के ऐसे प्रतिभावान, योग्यवान, योग्य व्यक्ति को होना अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के गौरव है। पोप सिंह जी मालवीय आज इनका उपवास तोड़ने के लिए, उनकी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए सारे समाज जन यहाँ पर आए हैं। अखिल भारतीय भलाई महासंघ पोप सिंह जी मालवीय के साथ है तन मन धन से और उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए अनवरत इस आंदोलन को जारी रखेंगे। फिलहाल हम आज जो है इनकी भूख हड़ताल समाप्त कराने के लिए आए हैं। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।